तो भैया हमने थोड़ी देर पहले बोला था ना कि थोड़ा दिक्कत है, मतलब काम कर रहे थे, देखो स्विगी ने ये लगाया ये कहाँ का कमलाबाद बढ़ौली, अगर हम इसको डिलीवर करने जाते हैं तो रायथा रोड से मुश्किल है 87 रुपये का ऑर्डर तो लग रहा है, लेकिन ये पिज़्ज़ा हट से पिकअप करने जाना है, ये नहीं उठाएंगे भाई हम, इसको कंफर्म करते हैं। मैंने स्विगी केवल खोला था इसलिए कि देखने के लिए, आई वॉन्ट रिजेक्ट दिस ऑर्डर, ये रिजेक्ट कर रहे हैं फटाफट से, क्योंकि हम वजह बता दे रहे हैं, बाइक इशू मारे दे रहे हैं इसमें, ठीक है, बाइक इशू मार दिया हमने, ये बाइक इशू हो गया। अब मेरा ये देखो ये लगा हुआ है 52:73, और टाइम देखो 10:25, हमने आज 12 बजे तक की शिफ्टें बुक कर ली थी, आपको अर्निंग दिखा दे रहा कि मैंने कितनी अर्निंग कर रखी है अभी तक, 10 घंटे में 2,000 रुपये की अर्निंग हुई, जिसमें से 800 रुपये इंसेंटिव यानी कि जो एक्स्ट्रा चल रहा था बोनस वो मिला। आ जाओ भाई, अब स्वागत है, 20 रुपये का ऑर्डर है, द चेन्नई हॉट चिप्स के नाम से, इसको कंफर्म करते हैं। और आज तारीख देख लो, 12 बज के पहली बार तो 29 मिनट हो रहा है, 31 दिसंबर है, और 31 दिसंबर का मैं जो इंसेंटिव है वो इंसेंटिव यहाँ पर लगा दूंगा, जैसे स्विगी में इंसेंटिव चलता है पे पर ऑर्डर पर सर्च वाला, तो इनकी उसमें मतलब कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती, मतलब अगर ऑर्डर बजा तो उसके साथ में वो बच जाता है, मतलब जो एक्स्ट्रा चलता है, इसमें ऐसा नहीं, इनकी पहले टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लीट करो जा करके, उसके बाद आपको मिलेगा वो पैसा, वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है मैं यहाँ पर डिस्प्ले लगा दूंगा, देख लेना आप, 20 रुपये 30 रुपये शाम के साथ 50 रुपये एक्स्ट्रा, अभी दोपहर से 15 रुपये एक्स्ट्रा है कि 20 रुपये एक्स्ट्रा है मेरे को आइडिया नहीं, अभी 20 है मतलब, फिर शाम को कुछ कम रहेगा, नहीं 12, 7, 20 है, फिर उसके बाद 7 से 11 है, 7 से 12 50 रुपये एक्स्ट्रा, 50 आज स्विगी 55 रुपये दे रही, मैं देखो इधर राइट साइड में लगा दूंगा क्या कहते हैं जोमेटो का, इधर लेफ्ट में लगा दूंगा स्विगी का, दोनों का इंसेंटिव देख लेना, कंपेयर कर लेना, आज का दिन में केवल जोमेटो को देने वाला हूँ, क्योंकि जोमेटो में काम करेंगे देखेंगे क्या होगा 11 घंटे में, और अगर आज जोमेटो ने परेशान करा या निराश करा तो भाई कल स्विगी मारने वाले हैं पक्का। तो चलते फटाफट से देखते हैं क्या होता है, चलते सीधे मोटो व्लॉगिंग पे। ये रहा भाई हेलमेट अपना एकदम फ्रेश, एकदम चमका के लेकर के आया हूँ, देख लो भाई चारों तरफ से बैग वैग ठीक ठाक है, आज बाइक मैं ये वाली चलाने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सोचे खींच के काम करना है, थोड़ा खींच के मतलब गाड़ी तेज चलाना है लेकिन थोड़ा सही से काम करना है, चलते फटाफट से सीधे मोटो व्लॉगिंग पे आते हैं, ठीक है। ये देखा आपने, ये चलते फटाफट से। अबे भाई फुटरेस्ट खुला हुआ है, अब बंद, ये देखो ये गाड़ी होती है किक में स्टार्ट, भाई इसमें पावर है ना अलग ही लेवल की है, क्योंकि इसमें 8 Nm का आपको टॉर्क मिलता है, तो जानते हो ना भाई 8 Nm टॉर्क मतलब 100 cc के सेगमेंट में समझ रहे हो ना, 8 Nm बहुत होता है, 8 Nm टॉर्क, और ये भी ऑलमोस्ट जाती है 6000 RPM तक, नहीं ये शायद, हाँ ये 6000 RPM तक जाती है, और वो जो अपनी डीलक्स है वो 8000 RPM तक जाती है, हॉट चिप्स वाले यही हैं शायद, ये देखो चेन्नई वाले खोले हुए हैं आई थिंक सो, यही होने चाहिए, पता नहीं यार कई ब्रांच है इनकी, ये है कि आगे है यही दिख रहा है मेरे को शायद से, फ़ोटो देख ले रहे हैं भी समझ में आ जाएगा, रुक जाओ क्योंकि इनके, हाँ यही है यही है, इनको अराइव करो फटाफट से, पूछो ऑर्डर रेडी है कि नहीं, चंद्रलोक में देना ऑर्डर ये वाला, एक सेकंड ज़रा पीछे कचड़ा खुला हुआ उसको ज़रा सा हटा दें, हाँ ठीक भैया, एक जोमेटो पे ऑर्डर है 6872, ऑर्डर है कटोरी फ्रेम पता नहीं क्या क्या लिखा है, ट्रायंगल, अच्छा रुको ये कटोरी लिखा 250 ग्राम और ट्रायंगल है 250 ग्राम फ्रायम्स करके जो भी है, अरे पढ़े लिखे होते तो भाई जोमेटो कर रहे होते यार, सही बात है। चलो भैया हमें लगा था कि सब पैक ही रखा होगा लेकिन को, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये देखो भाई पिकअप हो गया है, चलो भाई संडे के दिन और फेस्टिवल के दिन जो ऑर्डर लगा 20 रुपये का, बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त हो गई देवी अवसर दिनों, चल अभी प्राप्त नहीं हुई अभी हमारे पास है वो, चलते फटाफट उसको किडनैप करके मतलब डिलीवर करना है, ज़्यादा दूर नहीं है ये ऑर्डर आपके साथ में, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में दिखाएंगे, और फास्ट फॉरवर्ड में दिखा दे क्या, मार दे क्या किक, देखो रॉन्ग वे उंगवे ना कहना, देखो भाई ये बगल में ही कट है, Thank you.
आवाज़ भी दिया था। शुक्रिया। चलो भाई अपना पहला ऑर्डर जो कि है अब डिलीवर्ड होने जा रहा है 12:41 पे। 20 रुपये की बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त हुई है ट्रिप पे। 20 रुपये ही 20 रुपये ही 20 रुपये। चलो कंफर्म कर दिया, आप देखते हैं नेक्स्ट ऑर्डर कहाँ से आता है। ठीक है। 2000 years later ये आया भैया नया ऑर्डर थियो ब्रोमा से आया हुआ है 32 रुपये का। अब ये पूछ रहे बैग टी शर्ट है कि नहीं। थियो ब्रोमा वहाँ पे सामने है, अभी चलते फटाफट से उसको पिकअप करने। चलो अब चल रहे भैया। क्या बता रहे हो भाई? हाँ कंपनी दी से भैया, कंपनी की जिम्मेदारी है तो क्या कर सकते हैं। ये फंस गया सी है। हाँ कंपनी दी है कि भेजो, मतलब ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ उसका 2250 रुपये उसका डेली वीडियो 8 घंटे का वीडियो रहता है डेली का। चल रहे भैया है। चलो भाई अब उसके दिमाग में मकड़ा काटेगा लौंडे के दिमाग में कि 2250 रुपये डेली मिल रहा है तो ये वीडियो वाला काम ना करा जाए। स्विगी का लौंडा था, थियो ब्रोमा ने रेडी कर दिया भाई जस्ट अराइव करने। मैं पैदल आया था अराइव करने के लिए, हमने कहा चलो देखते हैं और रेडी हो गया थियो ब्रोमा। फटाफट चलते हैं इनको पिकअप करते हैं, सट से फट करते हैं और कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं। ए ए ए ए ए रुक जा भाई, ये हो रहा है। थियो ब्रोमा पुश करो खुश रहो। भैया ये 9701 रेडी है, यही है पिकअप हो गया भैया। 750 ग्राम का केक था ये है। अरे वाह बड़ा छोटा पैकेजिंग में ठीक भाई ओके। यहाँ से कितने किलोमीटर का? 2.5 किलोमीटर का वो खुल रहा है रास्ता। अंदर चले जाओ, अंदर दे दें पैसा। हाँ अभी अंदर जाएंगे देखो गई कि नहीं गई। समझदार है ये, इनसे पूछे कैसा माहौल है। कौन भैया ऑर्डर ऑर्डर लग रहा है? कै हो गए ऑर्डर? कै ऑर्डर हो गए? कै बजे से लॉगिन है? लूट लिया आपने? लूट लिया और क्या, एक ऑर्डर लग गया आपका, लूट नहीं लिया आपने कंपनी को? हमारा आधा ऑर्डर लगा है। कई किलोमीटर का ऑर्डर लगा था आपका? हाँ तो बताओ, 900 मीटर का मेरा, 200 मीटर का तो मेरा आधा ऑर्डर हुआ आपका, पूरा नहीं हो गया। हाँ तो मेरा 20 रुपये का मेरा भी लगा लेकिन हमारा आधा मतलब डिस्टेंस का है ना, तो सोचते थे 10 रुपये कंपनी काट ले आज, मतलब लूट ले वो कंपनी को। आए क्या आज छोड़ोगे नहीं? ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਆ ਗਿਆ ਭਈਆ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕਰਕੇ 750 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾ ਐਗਲੈਸ ਕੇਕ। ਇਹ ਲੀਜੀਏ ਭਈਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਚਲੋ ਭਈਆ ਇਸ ਆਰਡਰ ਕੋ ਡਿਲੀਵਰਡ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਦੇਵੀ ਔਰ ਸਰਜਨੋ। ਅਰੇ ਗ੍ਰੇਟ ਜੋਬ ਤੋ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, 32 ਰੁਪਏ ਕੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਹਮਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਮੈਂ हमारी अर्निंग हो गई। अच्छा इसमें दिखा रहा है, ऑफ़र दिखा रहा है यहाँ पर। एक और ऑर्डर आ गया है रोमिनस पिज़्ज़ा का, 20 रुपये का 1 किलोमीटर। समझ रहे हो ना भाई? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हमने बाइक का मीटर नहीं दिखाया था यार आपको, तो 5 किलोमीटर से जोड़ लेना, 5 किलोमीटर बाइक चली नहीं है। वैसे 2.5 किलोमीटर ये ऑर्डर लेकर के आया हूँ, इससे पहले वाला था 700 मीटर का, 2.5-3। अरे आप मोटा मोटी 5 किलोमीटर समझ लो, 23,550 से गाड़ी स्टार्ट हुई। ठीक है अब चलते हैं ये रोमिनस पिज़्ज़ा को पिकअप करने के लिए। देखें ये कितना टाइम लगाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, फटाफट से रोमिनस पिज़्ज़ा मिलते हैं। फाइनली भैया हाथ हो गए रोमिनस पिज़्ज़ा, अभी देखते हैं। रुक जाओ यहीं लगा लेते गाड़ी छाँव में। ये रहा रोमिनस पिज़्ज़ा, छाँव में नहीं मतलब धूप में लगा लेते हैं। ऑर्डर रेडी होने में भी 8 मिनट लगेगा, ये कहीं पे देना यहीं बगल में देना, 1 किलोमीटर जानते ही हो विकास नगर में। ऑर्डर आईडी देख रहे कितनी प्यारी, 1 2 3 4, ये झुके फिर ऑर्डर तैयार। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। चलो भैया रेडी हो गया बड़ी मुद्दतों के बाद, फटाफट से इनको पिकअप करते हैं। रोमिनस पिज़्ज़ा भैया ये ऑर्डर रेडी हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आईडी।
ये पता क्यों जल्दी रेडी हो गया? क्योंकि इसकी आईडी जो थी वो आईडी नंबर था 1 2 3 4, इसीलिए उन्होंने जल्दी कर दिया तैयार। अब सही है, कवर सही करा पिछले वाले एंड का। चलते हैं व्हाट्सएप इसको डिलीवर करने 1 किलोमीटर, ठीक है? ये वाला आपके साथ में डिलीवर करते हैं। तो भाई फाइनली पहुंच गए, ये रहा ऑर्डर, ये लेना भाई, धन्यवाद। चलो एक सेकेंड इसको डिलीवर करते हैं। वही 20 रुपये का रहा, और 20 रुपये अपन को वो मिलेगा शायद, सर्ज मिल रहा है ना, तो ये ऑर्डर 40 रुपये का 1 किलोमीटर का। तो अभी आपको अर्निंग दिखा दे रहे, 1.2 आवर्स में 145 रुपीज़ की अर्निंग हुई, मतलब ऑर्डर अर्निंग 72 रुपये की, 60 रुपये इंसेंटिव, मतलब वो जो ऑफर चल रहा है, ठीक है? अभी बाद में मिलते हैं भाई, आपसे थोड़ा बहुत काम सोच रहे, खींच ले क्योंकि ऑर्डर नहीं है, लौंडे बहुत बुरे हैं। ये तो 3 कोइंसिडेंस है जो बैक टू बैक लग गए, मतलब बैक टू बैक क्या, ये दूसरा वाला थोड़ा सा रोक के लगा, और देन ये तीसरा वाला जो लगा वो टाइम से लग गया था। ठीक है भाई, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे, और देखते जो माहौल है। आज थोड़ा वीडियो हो सकता है लंबा, क्योंकि हम डिटेल खींचेंगे और जो चीज़ें बारीकी वाली वो भी ज़रूर बताएंगे आपको। क्या संडे के दिन तो नॉर्मली 10 रुपये किलोमीटर का पे आउट देते हैं, और देखिए ये अगर उन्होंने एक्स्ट्रा चलाया है तो इधर कम कर रहा है या वही पे आउट दे रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, देखो मैं पॉइंट आउट करूँगा, ठीक है भाई? तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, सॉरी। ये देखो भाई, मेरी आईडी बैटरी स्लो के चक्कर में बंद हो चुकी है, और केवल बैटरी देखो 16% हो चुकी है, 2:02 हो रहा है, ऊपर दिख रहा है 16%, भाई 16 के ऊपर होगी तो ही होगा भाई। ये 50-60% थी बैटरी, एकदम 24 हुई, 24 से फिर उसके बाद 17 से फिर एकदम 13 पे आ गई भाई। अब देखो चार्ज कर रहे हैं, फ्लाइट मोड लगा के चार्ज करें, जल्दी चार्ज हो जाएगी जहाँ तक। बेटा तुमसे ना हो पाएगा आज भैया, हमसे एक गलती हो गई है, पहली बात तो ये समझ लो। गलती क्या हो गई है, ये हमने पहना केवल ये विंड चिटर है, विंड चिटर के अंदर एक पतली सी हुडी पहन रखी है और कुछ भी नहीं पहना है। आज मेरे जैकेट गए हैं, भूल हम लाना। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर स्विगी के SNO ऑफिस, यानी कि ऑनबोर्डिंग ऑफिस। तो चलते फटाफट से यहाँ से एक जैकेट ले लेते हैं, जो भी पैसा काटेंगे काटने दो, अपने हाथ में ये रहा हेलमेट, ठीक। चलते हैं ऊपर यहीं से सेकंड फ्लोर पे, और यहाँ पे मेंशन हो सकता है कर दूंगा मैं, लोकेशन भी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा कि कहाँ पर है लखनऊ में। फटाफट चलते हैं ऊपर जैकेट लेने के लिए, देखते क्या बोलते हैं वो लोग। Meanwhile भैया ले आए हैं जैकेट एक अपनी, जी देख रहे हो ठंडी बहुत लग रही है, ले लो 250 रुपये लगे। ये बैग फ्री मिला है, एक जैकेट और है, मतलब ये जैकेट हमने अलग से ली है, अलग से मतलब दूसरे की आईडी पे, क्योंकि बात करा कर ले ली है, वो आईडी वाइडी चलाता नहीं, हमने कहा उसकी जैकेट हम खुद ही ले ले, ये बात करेंगे कंफर्मेशन करेंगे उसके बाद ही देंगे, वैसे नहीं देंगे, ठीक है? मिलते हैं अब आपसे बाद में। 2000 years later तो भैया हमने थोड़ी देर पहले बोला था ना कि थोड़ा दिक्कत है, मतलब काम कर रहे थे, देखो स्विगी ने ये लगाया। ये कहाँ का? कमलाबाद बढ़ौली। अगर हम इसको डिलीवर करने जाते हैं तो रायथा रोड से मुश्किल है, 87 रुपये का ऑर्डर तो लग रहा है, लेकिन ये पिज़्ज़ा हट से पिकअप करने जाना है, ये नहीं उठाएंगे भाई हम, इसको कंफर्म करते हैं। मैंने स्विगी केवल खोला था इसलिए कि देखने के लिए, आई वॉन्ट रिजेक्ट दिस ऑर्डर, ये रिजेक्ट कर रहे हैं फटाफट से, क्योंकि हम वजह बता दे रहे हैं, बाइक इशू मारे दे रहे हैं इसमें, ठीक है? बाइक इशू मार दिया हमने, ये बाइक इशू हो गया। अब मेरा ये देखो ये लगा हुआ है 52:73, और टाइम देखो 10:25, हमने आज 12 बजे तक की शिफ्टें बुक कर ली थी। आपको अर्निंग दिखा दे रहा कि मैंने कितनी अर्निंग कर रखी है अभी तक, 10 घंटे में 2000 रुपये की अर्निंग हुई, जिसमें से 800 रुपये इंसेंटिव, यानी कि जो एक्स्ट्रा चल रहा था बोनस वो मिला, 1138 रुपये की अर्निंग हुई, और एक ऑर्डर अभी लगा महालक्ष्मी रेस्टोरेंट से, तो उसका तो खेल ख़त्म। 10 घंटे में 22 ऑर्डर, एक मल्टी लगा है भाई, मल्टी नहीं लग रहा मेरा, लेकिन मल्टी कुछ लोगों को बहुत लग रहा है, कुछ लड़कों का पता क्या हो रहा है, मल्टी 3-3 ऑर्डर लग रहे इकट्ठे, बट ये वाला अभी तक ऑर्डर रेडी नहीं है, अभी टाइम लगेगा। मेरे 15 मिनट दिखा रहा था, 15 मिनट हो चुके हैं, अब इसको डिलीवर करना है। आइए चलो भैया, रेडी हो गया भाई, रेडी हो गया 52:73 प्लेटर पिक करे, हाँ ये देखो पिकअप हो गया है। चलो भैया पिकअप हो गया, बड़ी मुद्दतों बाद चलते इसको डिलीवर करने। आइए हम हॉस्टल पे भाई, ये ऑर्डर थोड़ा सा उल्टा लग गया, इसके बाद मेरे पास 1 घंटा और टाइम रहेगा, क्योंकि भाई 50 रुपये एक्स्ट्रा हमने कर लो यार, 1 घंटा एक्स्ट्रा ही कर लोगे तो कुछ नहीं चला जाएगा, बट गाड़ी घोड़ा आराम चलाना, क्योंकि पियक्कड़ बहुत मिलते हैं, आज उनका दिन है, त्यौहार है भैया उनका। चलते फटाफट से डिलीवर करने, ठीक है?
तो भाई फाइनली पहुंच तो गए हैं हॉस्टल में, और फटाफट से बस कस्टमर आ जाए। 2 बार 3 बार फ़ोन कर चुका, फिर उसके बाद मैंने उनको मैसेज करा, मैसेज आपको दिखा दे रहा हूँ, ये रहा मैसेज। आई थिंक सो मैडम भी आ गई हैं, और ये निकाल लें इनका ऑर्डर। किस नाम से? हाँ नाजिश, ठीक है। अभी जस्ट 3-4 मिनट, 5 मिनट। ओके ओके, हैप्पी न्यू ईयर मैम। ओके ओके, चलो भाई हैप्पी न्यू ईयर कर दिया, क्योंकि आप सभी लोगों को भाई भर भर के बधाई नए साल की। एकदम खूब कमाओ, फलो फूलो फूको, और मतलब फलो फूलो फूको नहीं, दूधो नहाओ पूतो फलो, ऐसे कुछ करके कुछ एक कहावत है यार, उसका आइडिया नहीं मेरे को, क्या नाम था, दूधो नहाओ पूतो फलो ऐसे कुछ करके है भाई, है ना? समझ जाना यार, इतने बुजुर्ग तो नहीं है आपका भाई, एकदम समझ रहे हो ना, जवान है भी जवान। यहाँ से भैया निकलना है फटाफट से, हमारे पास जो टाइम बचाना है एग्जैक्टली 1 आवर्स, यानी कि 1.25 घंटे बचे हैं। और ये देखो गोल्फ कार चल रही है यहाँ पे यार, ये बढ़िया है लॉन्डो का। तो 1.25 घंटे में देखते कितने रुपए का काम होता है, क्योंकि अभी हम यहाँ से जाने में मेरे को 15 मिनट लगेगा, तो मेरे पास मोस्टली 1 घंटा बचेगा काम करने के लिए। और ये वही 1 घंटा है जो डेली हम करते थे 11 बजे तक, आज मैं 12 बजे तक कर रहा हूँ एक्सटेंड करके, क्योंकि ठंडी भाई अलग लेवल पे हो रही है। दोनों हाथों में ग्लव्स आपके भाई के आ चुके हैं, और मतलब आज जोमाटो ने जो पे आउट डाला था ना, वो जो लोग जो इंसेंटिव डालती है, इंसेंटिव से लाख गुना अच्छा पे आउट था, क्योंकि आज ऑर्डर अच्छे थे। तो आप लोगों ने देख ही लिया, 800-800 रुपये लगभग लग गए, 800 रुपये कभी इंसेंटिव आप लोगों ने अचीव करा है, मतलब लखनऊ में T3 सिटीज़ में किसी में? हमें तो नहीं लगता भाई किया होगा। और भाई T1 सिटी की नहीं बात कर रहा, देखो T1 सिटी अलग लेवल पे है, जैसे T1 में आती है आपकी बैंगलोर वगैरह और सब जितनी भी है ना, बैंगलोर हो गई, मुंबई हो गई, और जितनी अच्छी अच्छी मतलब बड़ी बड़ी सिटी हैं उनको बोलते हैं T1। फिर जो मिड में आती हैं T2 बोलते हैं, फिर अपनी वाली जो है लखनऊ उखनऊ, तो ये सब T3 में आती है। तो T3 एकदम ठीक है, मतलब इतना बुरा नहीं भाई, ऑकवर्ड फील करने वाला सीन नहीं है, ठीक है भाई, मस्त अपना लखनऊ एक नंबर, 2 कौड़ी का है भाई, समझ रहे हो ना। चलते फटाफट से काम करने, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सामने का नज़ारा? दिख रहा होगा, ठीक है भाई, ठीक है। साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। आ गया भैया, एक सेकंड, ये लीजिए भैया, नीचे हाथ लगा लेना भाई, ये लीजिए आपका ऑर्डर, धन्यवाद। ओके ओके, चलो भाई ये लास्ट ऑर्डर अपना, ठीक है। ओके ओके, शुक्रिया मैम, हैप्पी न्यू ईयर मैम। ओके चलो भाई यहाँ से चलते हैं अब, लास्ट ऑर्डर। भाई बाइक की रीडिंग दिखा दूँ ना, दिख नहीं रही होगी आई थिंक सो, फ्लैश मारना पड़ेगा मेरे को दूसरे फ़ोन से मे बी। ये रहा 23,721 हो रही है, देख लो, ठीक है। घर चल के बता दे कितनी बाइक चली सब कुछ, अब घर चलते बाइक में, इसमें मोबाइल में बैटरी भी नहीं है भाई जरा सी भी, ठीक है। हाँ तो भैया फाइनली आ चुके हैं घर पे, खा पी के एकदम फिट हो चुके हैं। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर भाई, अब सभी लोगों को दिल से एकदम बधाई मेरे भाई कि नया साल अच्छे से जियो, अच्छे जो पुराने बीत चुका है उसको सब साइड कर दो, नए साल है बड़े हैं। अपने अपने करियर के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, और अपने घर वालों के लिए, और जो कुछ हो सके मतलब अपना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वो कर्म करो, जो कर्म करोगे वही चीज़। देखो इस दुनिया में आप कुछ भी करो आपको वो चीज़ लगभग डबल, या लगभग डबल के नहीं तो उतना तो रिटर्न देगी। आप अगर आप किसी के लिए बुराई करोगे तो वो मिलेगी, किसी के लिए अच्छाई करोगे वो भी मिलेगी, हो सकता है आपके मौके अपना मिले लेकिन कभी ना कभी मिलेगी। तो हर चीज़ एकदम बेहतरीन करके जियो, और जो अर्निंग हुई है 12 घंटे में डिस्प्ले हो जाएगी अर्निंग, क्योंकि मतलब आज सैटरडे संडे क्लियर हुआ है ना, तो वो लोग इधर उधर कुछ करते हैं इंसेंटिव, इधर जाने क्या क्या करते हैं। तो अभी अर्निंग मेरे को 1500 रुपये दिखा रहा, और जो अर्निंग एक्चुअल अर्निंग हुई इंसेंटिव इंसेंटिव मिला के फाइनल फॉर्म जो अर्निंग का है वो 2500 रुपये है, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, यहीं कहीं पर देख लेना, ठीक है भाई। बाइक जो चली है 171 किलोमीटर चली है, तो उसमें पेट्रोल कितने का लग गया होगा? पूरा 300 काटवा दे रहे हैं, 300 का पेट्रोल लग गया, इससे ऊपर नहीं लगा है भाई किसी भी कीमत पे। और मतलब 300 कट गया तो भाई 2200 रुपये बच गया, तो बहुत सही बच गया। मेरे को लग रहा था कि जोमेटो में ना ये जो इंसेंटिव दे रहे हैं ये जो अपर ऑर्डर पे वाला, ये हो सकता है बेहतरीन हो जाए, क्योंकि 500 रुपये बहुत से बहुत 500 रुपये से ऊपर नहीं इंसेंटिव देते हैं ये लोग, हमें मालूम है जोमेटो वाले।
फिर वही एकदम चिकनी तरीके नाचते रहो। लेकिन भाई बहुत लौंडा था जोमेटो में, फिर ऑर्डर भी शाम को बहुत हुआ, कुछ कुछ लोगों ने ना मल्टी पे मल्टी पकड़ा है तो पकड़ता ही रहा है। अब ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि एक एकदम बीच में बना हुआ था, तो भाई मैं ग्लव्स पहना था, इतनी ठंडी लग रही थी ना हाथों में, तो मैंने ग्लव्स पहन के फिर मोबाइल से रिकॉर्ड करता है, गोप्रो होता तो फट से बटन दबा के रिकॉर्ड कर लेते, बट वैसा नहीं है, तो थोड़ी मशक्कत ज़्यादा करनी थी। तो फिर हमने कहा एक जगह जब ठहरे जब महालक्ष्मी, तब हमने रिकॉर्ड करना शुरू करा। बाकी वीडियो अच्छा लग रहा होगा आई थिंक सो। मेहनत भाई आज अपने आपके समझ लो भाई 110% मेहनत मारी, उसका फल मिला, इंस्टेंट मिला, तो वो चीज़ कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, अपने आप को बस करते रहना है, कंसिस्टेंट होकर के बस काम करते रहना है। ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना यार आप लोग सब भाई लोगों। और भाई फिर से कह रहे बुरी आदतों को छोड़ दो, पीछे निकल गया जो निकल गया, अब नया साल है, कुछ बढ़िया करके दिखाओ, कुछ बेहतरीन करके दिखाओ, कुछ बढ़िया बन के दिखाओ। ठीक है, जय हिंद जय भारत। अपनी मम्मी अब ख्याल जरूर रखना, ये चीज़ कभी दिमाग से नहीं उतरनी चाहिए। ठीक है भाई।